उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप। हेलो गाइस, आई एम डॉली राणा, वेलकमिंग यू टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। सो अवर टुडेज टॉपिक इज एडजेक्टिव। सो पुरानी वीडियोस में हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा था, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसके यूजेस हम आज हमारी इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। बाकी अगर गाइज आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो हमारा एक लर्निंग ऐप भी है, वेदाश्री लर्निंग ऐप, जो कि प्ले स्टोर में इजीली अवेलेबल है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन प्रोनाउन। क्या होता है एडजेक्टिव, हमें बताता है नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में। एंड एडजेक्टिव ऑफ्टन कम्स बिफोर अ नाउन। एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये ज़्यादातर एडजेक्टिव होते हैं जो कि नाउन के पहले आते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव जैसे कि एडवर्ब होते थे, एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव करते हैं नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो एन एडजेक्टिव ऑफ्टन कम्स बिफोर अ नाउन। एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन से पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रीन कार, कार एक नाउन है तो यहाँ पे ग्रीन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या बता रहा है, कार के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो कार यहाँ पे नाउन है तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ऑफ्टन कम्स बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले आते हैं। एडजेक्टिव हमेशा नाउन्स और प्रोनाउन्स के पहले आते हैं। अब डार्क स्काई, तो डार्क भी यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा। एंड देन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें नाउन के अंदर आती हैं तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। एंड समटाइम्स एन एडजेक्टिव कम्स ऑफ्टन आफ्टर वर्ब्स, तो क्या होते हैं, कभी कभार कुछ एडजेक्टिव क्या होते हैं जो वर्ब्स में भी यूज होते हैं, लेकिन एडजेक्टिव पहले आते हैं नाउन के और बाद में आते हैं वर्ब के। तो जहाँ पर पहले आया होगा, किसी भी नाउन से पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव पहले वाला हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे से नाउन है। ठीक है, एंड देन हमें वर्ब, अगर कहीं पे हमें वर्ब शो होता है तो वहाँ पे बाद में आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई कार इज़ ग्रीन, मेरी कार ग्रीन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रीन कार से बाद में आ रहा है। और फॉर सेकेंड एग्जाम्पल द स्काई बिकेम डार्क, तो यहाँ पे स्काई पहले आ रहा है क्योंकि ये क्या है, वर्ब है एंड इसमें एडजेक्टिव पीछे चले जा रहे हैं। तो नाउन में क्या होता है, एडजेक्टिव पहले आता है और वर्ब में एडजेक्टिव पीछे आता है। अब हम पढ़ेंगे नाउन के टाइप्स, नाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो एडजेक्टिव के यहाँ पे 9 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इनडेफिनेट एडजेक्टिव, आर्टिकल्स एंड कंपाउंड एडजेक्टिव। तो इसमें आप एडजेक्टिव के जो टाइप देखोगे, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है नाउन प्रोनाउन वाली, वो देख लीजिएगा। प्रोनाउन ये जितने भी टाइप्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये सारे टाइप्स प्रोनाउन से सिमिलर हैं, ये सारे टाइप्स प्रोनाउन के अंदर आते हैं। सो सबसे पहला टाइप अब हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में, कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउन। ये भी क्या करते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो क्या होता है, ये भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव बिलोंग इन दिस टाइप, तो ज़्यादातर एडजेक्टिव जो होते हैं, जो ज़्यादातर एडजेक्टिव के टाइप्स हैं या जो भी हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर एडजेक्टिव इस टाइप में ज़्यादा बिलोंग करते हैं। ठीक है, दीज एडजेक्टिव प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूट टू द नाउन। क्या करते हैं, ये जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, ये जो टाइप है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन मतलब किसी चीज़ की, और एट्रीब्यूट एंड एट्रीब्यूट टू द नाउन, और क्या करते हैं, किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं। ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, और ये क्या कहलाते हैं, इनको मतलब हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो नाउन है, डिस्क्राइब करना कहो या किसी चीज़ की क्वालिटी बताना कहो, किसी चीज़ की विशेषता को बताना कहो, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंदर आ जाता है। इसको
क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं और ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नाउन और प्रोनाउन को. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फास्ट कार. अब ये डिस्क्राइब कर रहा है कि इसके कार की क्वालिटी को बता रहा है कि इसकी कार कैसी चलती है, ठीक है. तो ये बोल रहा है आई हैव फास्ट कार, कि मेरे पास एक बहुत तेज चलने वाली कार है. फास्ट इज डिस्क्राइबिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ द कार. क्या कर रहा है, जो यहाँ पे फास्ट है वो क्या कर रहा है, एट्रीब्यूट, कार के एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब कर रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल इज आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ. हंग्री प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट. अब यहाँ पे जो हंग्री है वो क्या कर रहा है, किसी सब्जेक्ट की विशेषता को बता रहा है. मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है किसकी, कि वो भूखा है ना किसी, वो यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है आई एम हंग्री, कि मैं भूखा हूँ. तो यहाँ पे हंग्री क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाता है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. तो इसका सेकेंड टाइप है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, इसके पहले वर्ड में ही पता चल रहा है हमको कि क्वांटिटेटिव क्या होता है, किसी चीज़ की क्वांटिटी को दिखाता है, ठीक है. तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं. This type belong to questions as how much and how many. तो जो questions होंगे how much और how many के, जिसमें किसी चीज़ की quantity के बारे में पूछा जाएगा, तो वो क्या आ जाते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव $20 इन माई वॉलेट. अब यहाँ पे स्पीकर क्या बोल रहा है, मेरे पास $20 है. तो यहाँ पे डॉलर की क्वांटिटी बता रहे हैं ना कि उसके पास कितनी है. तो यहाँ पे 20 क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. तो ये क्या, कौन से क्वेश्चन का आंसर होगा, हाउ मच, दैट समवन विल आस्क लाइक हाउ मच रुपीज इन योर वॉलेट. तो तब स्पीकर आंसर दे रहा है आई हैव $20 इन माई वॉलेट. तो ये हाउ मच का एग्जाम्पल है. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज फॉर they have three children, उनके पास तीन बच्चे हैं या उनके तीन बच्चे हैं. तो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन, थ्री क्या आ जाएगा, क्वान्टिटेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा. और ये किसके अंदर आएगा, हाउ मैनी के अंदर. यहाँ पे कोई हो सकता है कि स्पीकर से पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी चाइल्ड यू हैव या हाउ मैनी चिल्ड्रन यू हैव. तो तब स्पीकर आंसर दे रहा है, सॉरी, या पूछ रहा है कि हाउ मैनी दे हैव चिल्ड्रंस. तो तब स्पीकर दे रहा है आंसर, दे हैव थ्री चिल्ड्रंस. तो यहाँ पे थ्री चिल्ड्रन, यहाँ पे थ्री क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर आता है. $20 क्या आता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर आता है. तो इन सिंपल वे क्या होगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है किसी चीज़ की क्वांटिटी बताना, कौन सी चीज़ कितनी है, किसके पास कितना है, ये सारी चीज़ क्वांटिटेटिव के अंदर. अब हम एडजेक्टिव का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव आर द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन. पहले हमने नाउन के टाइप पढ़े थे तो उसमें भी प्रॉपर कॉमन नाउन थे. तो जो प्रॉपर एडजेक्टिव है वो किसका फॉर्म है, प्रॉपर नाउन का ही एक फॉर्म है. व्हेन प्रॉपर नाउन मॉडिफाई और डिस्क्राइब अदर नाउन और प्रोनाउन, दे बिकम प्रॉपर एडजेक्टिव. जब कोई प्रॉपर नाउन या प्रॉपर प्रोनाउन क्या करते हैं, किसी दूसरे नाउन या दूसरे प्रोनाउन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन क्या बन जाते हैं,
प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। और प्रॉपर एडजेक्टिव किसका फॉर्म है? प्रॉपर नाउन का ही फॉर्म है। अ प्रॉपर एडजेक्टिव अलाउ अस टू समराइज अ कॉन्सेप्ट इन जस्ट वन वर्ड। तो जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है वो हमें ये अलाउ करता है किसी भी जो भी कोई सेंटेंस लिखा है उसमें सिर्फ एक वर्ड से उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाने में हमें वो मदद करता है, और वो चीज़ अलाउ करता है कि हम सिर्फ एक वर्ड से वो समझ जाएं। फॉर एग्जांपल, अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अमेरिकन कार जो होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो हमें पता चल गया ना कि एक ही लाइन से पता चल गया ना, एक ही वर्ड से पता चल गया कि पूरे लाइन में किसके बारे में बात हो रही है, अमेरिकन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अमेरिकन की क्या होती है? कार्स क्या होती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अमेरिकन क्या आ जाएगा इसमें? प्रॉपर एडजेक्टिव आ जाएगा। चाइनीज पीपल आर हार्ड वर्कर। जो चाइनीज पीपल होते हैं वो क्या हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं। तो यहाँ पे चाइनीज वर्ड से हमें समझ में आ जा रहा है पूरा कॉन्सेप्ट। तो चाइनीज क्या आ जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव में। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, आई लव के एफ सी बर्गर्स। के एफ सी ज़्यादातर लोग, सभी लोग जाते हैं। तो के एफ सी क्या है? एक वर्ड से हम समझ जा रहे हैं ना कि किसके बारे में बात हो रही है, के एफ सी। तो यहाँ पे के एफ सी क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली रेफर टू समथिंग और समवन। क्या करते हैं? ये डायरेक्टली किसी चीज को रेफर कर लेते हैं। इट इंक्लूड्स द वर्ड्स दिस दैट दोज। तो क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? क्या होते हैं? वो डायरेक्टली किसी चीज को रेफर करते हैं। और इसमें कौन से वर्ड शामिल होते हैं? दिस, दैट, दोज और दीज। फॉर एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल देने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है वो हमेशा किसी वर्ड के पहले आते हैं। इट्स वर्क्स अलोन, ये क्या करते हैं? अकेले काम करते हैं या अकेले अपना एक जगह बनाते हैं। इट ऑलवेज कम्स बिफोर वर्ड, ये किसी भी वर्ड के पहले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस कार इज माइन। ये कार क्या है? मेरी है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या आते हैं? हमेशा पहले आते हैं। तो यहाँ पे दिस क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेकेंड एग्जाम्पल इज दीज कैट्स आर क्यूट। ये बिल्लियाँ क्या हैं? बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। तो दीज क्या आ जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा। ऐसे ही दैट और दोज का भी यूज होगा, और वो क्या होंगे? किसी भी वर्ड के पहले आएंगे। मतलब बिगिनिंग क्या होगी? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से ही होगी। तो अब हमारा पांचवा टाइप है एडजेक्टिव का, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव का पहला वर्ड ही समझ में आ जाएगा कि पोजिशन, ठीक है, किसी चीज की पोजिशन बताना। इट इंडिकेट पोजिशन और ओनरशिप। ये क्या करता है? किसी चीज की मतलब पोजीशन बताते हैं कि कौन किस पोजीशन में है, या ओनरशिप मतलब किस, ओनर कौन होता है? जिसका कुछ अपना होता है, ठीक है। जैसे कि ये मार्कर मेरा है तो अभी मैं इस मार्कर की ओनर हूँ, ठीक है। तो वैसे ही क्या करता है पोजेसिव एडजेक्टिव? क्या होता है? किसी के पोजीशन और ओनरशिप को बताता है। इट सजेस्टेड द बिलोंगिंगनेस ऑफ समथिंग टू समवन। ये क्या करता है? क्या सजेस्ट करता है? किसी भी चीज़ के बिलोंगिंगनेस को, किसी चीज़ के होने को बताता है, ठीक है। समथिंग टू समवन। सम ऑफ द मोस्ट यूज्ड पोजेसिवनेस एडजेक्टिव आर
जो जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं उनको जिसमें ज्यादा यूज किए गए हैं वो क्या है, माई, हिज, हर, अवर, देयर, योर, मतलब ये बता रहे हैं ना किसी चीज़ की ओनरशिप को ही दिखा रहा है कि कौन किसका है और कौन सी पोजीशन में है, क्या है। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव में किसी चीज़ की पोजीशन को ही बताते हैं। फॉर एग्जांपल, माय कार इज पार्क्ड आउटसाइड, तो माय क्या है, वो अपनी कार के बारे में बता रहे हैं, तो माय क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोजेसिव एडजेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। हिज कैट इज़ वेरी क्यूट, उसकी कैट क्या है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो वो कैट किसकी है वो बता रहा है, ठीक है। तो हिज क्या आ जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव एडजेक्टिव। देन अवर जॉब इज ऑलमोस्ट डन, तो अवर यहाँ पे हमारा से मतलब है, तो क्या आ जाएगा, अवर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा। अब इसके बाद आता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पे बोर्ड पे लिख देती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क क्वेश्चंस, इट मस्ट फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन क्या, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव और क्या होता है, ये क्या होता है, इट मस्ट फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन, और ये किसके द्वारा फॉलो किए जाते हैं, नाउन और प्रोनाउन के थ्रू फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Which phone do you use? कि तुम कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, What game do you want to play, कि तुम कौन सा गेम खेलना चाहते हो, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर आ जाएगा। Whose car is this, ये कार किसकी है, तो जहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या आ जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर आ जाता है। अब इसके बाद हम इनडेफिनेट एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव है इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इनडेफिनेट एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन स्पेसिफिकली, मतलब जो ज़्यादा किसी मतलब कोई किसी लिमिटेड चीज़ को नहीं दिखाता है, ठीक है, ये किसी स्पेशल चीज़ को नहीं दिखाता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव उसको शो करता है। इनडेफिनेट एडजेक्टिव आर, अब देखो इनडेफिनेट एडजेक्टिव क्या होता है, फ्यू, मैनी, मच, मोस्ट, ऑल, एनी, ईच, एवरी, आइदर, नोबडी, सेवरल, सम, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, इनडेफिनेट एडजेक्टिव के अंदर आती हैं, जो कि इनडेफिनेट एडजेक्टिव के लिए यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव सम कैंडी टू हर, कि मैंने उसे थोड़े से कैंडी दिए, तो यहाँ पे ना क्वांटिटी बता रहा है ना किसी कैंडी का नेम बता रहा है, पर वो बोल रहा है कि सम, मतलब कुछ कैंडी उसने दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम क्या है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज, आई वॉन्ट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन, मुझे कुछ मोमेंट क्या चाहिए, अकेले चाहिए, मतलब वो थोड़ा टाइम अकेले रहना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पे फ्यू क्या आ जाएगा,
इंडेफिनेट एडजेक्टिव आ जाते हैं। तो इंडेफिनेट एडजेक्टिव के अंदर क्या क्या आते हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी, किसी भी सेंटेंस में ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी, तो हमें क्या समझ आना है कि ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव हैं। अब इसके बाद एट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है कंपाउंड एडजेक्टिव। अब देखिए कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होता है, कंपाउंड एडजेक्टिव होता है एक या एक से ज्यादा चीजों को जोड़ना। कंपाउंड एडजेक्टिव व्हेन कंपाउंड नाउन मॉडिफाई अदर नाउन दे बिकेम अ कंपाउंड एडजेक्टिव। जैसे कि प्रॉपर एडजेक्टिव था कि प्रॉपर नाउन जब किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव में बदल जाते हैं। तो वैसे ही कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होते हैं, जब कोई कंपाउंड नाउन किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई करता है तो वो किस में बदल जाता है, कंपाउंड एडजेक्टिव में बदल जाता है। इट यूजुअली कंबाइंस मोर देन वन वर्ड इनटू अ सिंगल यूनिट। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ब्रोक डाउन सोफा। तो यहाँ पे ब्रोक डाउन सोफा क्या है, ये क्या है, दो या एक या दो से ज्यादा वर्ड्स क्या हुए हैं, आपस में कंबाइन हुए हैं इस वजह से। तो जहाँ पे भी ये मार्क्स होते हैं, शायद आपने पुरानी वीडियो में अगर देखी होगी तो देखा होगा कि कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, वो मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो जहाँ पे भी ये मार्क्स होते हैं ये क्या आ जाते हैं, कंपाउंड्स एडजेक्टिव के रूप में आ जाएंगे। तो क्या होता है, जब दो वर्ड्स या एक से ज़्यादा वर्ड एक यूनिट बनाते हैं तो क्या हो जाता है, वो कंपाउंड नाउन कंपाउंड एडजेक्टिव आ जाता है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज आई सॉ अ सिक्स फीट ओके सिक्स सॉरी सिक्स फुट लॉन्ग स्नेक। अब स्पीकर बोल रहा है आई सॉ अ सिक्स फुट लॉन्ग स्नेक कि मैंने एक छः फुट लंबा सांप देखा। तो यहाँ पे सिक्स फुट लॉन्ग क्या आ जाएगा, कंपाउंड एडजेक्टिव आ जाएगा। तो कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होता है, ये जो एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया है कि कंपाउंड एडजेक्टिव क्या है, ये एक साइन होते हैं, ठीक है। तो इन साइन से आप पहचान सकते हो कि ये क्या है, कंपाउंड है। तो अब इसका नाइन टाइप है आर्टिकल। आर्टिकल्स क्या होते हैं, जब भी कोई बच्चा पढ़ता है बेसिक चीज़ है आर्टिकल्स। तो अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में, जो कि नाइन टाइप है एडजेक्टिव का। बेसिकली आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं। अब इनके यूजेस भी होते हैं कि कौन सा आर्टिकल किसके लिए यूज किया जाता है। आर्टिकल जो कि एडजेक्टिव का ही टाइप है, ये क्या होता है, आर्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव ही होते हैं, ओके। अब एडजेक्टिव आर्टिकल्स होते हैं ए एन द। ए किसके लिए यूज होता है, ए और एन किसके लिए यूज होते हैं, अनस्पेसिफिक
अनस्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज होते हैं, और द किसके लिए यूज होता है, स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज होता है, चाहे वो स्पेसिफिक थिंग हो, पर्सन हो, या कोई भी जगह हो, कुछ भी हो, तो ए एंड द यूज होते हैं अनस्पेसिफिक के लिए, और द यूज होता है स्पेसिफिक के लिए। एन जो होता है, अब इसमें ए और एन के दोनों के एक वे में अलग अलग यूजेस भी हैं कि इनको यूज़ कहाँ पे करते हैं। एक एन का यूज होता है वाउल्स के लिए, वाउल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। तो ये क्या होता है, हमारे इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, उसमें से 5 वाउल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो जो वाउल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। इनमें हमेशा एन का यूज़ कहाँ होता है, कोई भी वर्ड जो वाउल से स्टार्ट होता है या वाउल से जिस वर्ड की बिगिनिंग होती है, तो उसके आगे क्या आता है, एन आता है। फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला, ठीक है, तो यू आ रहा है ना, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, एन। अब ऐसे ही एलिफेंट, एलिफेंट के आगे भी एन आएगा, सेम एज लाइक आउल, आउल के आगे भी एन आएगा। अब जो ए होता है, ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट के लिए, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो उसके आगे क्या आता है, ए आता है, चाहे वो बी हो, सी हो, डी हो, एफ हो, जी हो, एच हो, जे हो, ऐसे करके ए ई आई ओ यू को छोड़ के जेड तक जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं वो उनके आगे क्या आता है, ए आता है। अब बात आई द की, द कहाँ पे यूज होता है, द होता है स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, जो चीज़ें बहुत स्पेशल होती हैं या किसी चीज़ की तरफ को, मतलब ऐसी चीज़ की तरफ मॉडिफाई करती हैं जो सिर्फ एक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल रामायण, ठीक है, तो रामायण क्या है, एक एक ही है, तो ये क्या है, बहुत ही स्पेशल चीज़ है, तो ये इसके आगे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। वैसे ही हम गंगा नदी को द गंगा नदी लिखेंगे, क्यों, बिकॉज ये क्या है, ये सारी चीज़ें जानी मानी चीज़ें हैं, मतलब स्पेशल चीज़ें हैं। सन, द सन, द मून, इसी तरीके से द स्पेशल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, आर्टिकल्स आर modify noun but sorry and articles are also adjective। ये क्या होते हैं, adjective भी होते हैं articles, और noun के लिए भी modify किए जाते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने एडजेक्टिव पढ़ा है, एडजेक्टिव के डिस्क्राइब किया है हमने, एडजेक्टिव को बहुत अच्छे तरीके से उसके टाइप्स पढ़े हैं, एग्जाम्पल पढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो देख रहे हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो गाइज, आज के हमारे वीडियो में हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, एडजेक्टिव के पार्ट्स पढ़े विथ एग्ज़ाम्पल। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, वेदाश्री लर्निंग ऐप, जो आपको प्ले स्टोर में ईजिली अवेलेबल है, एंड जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ। और बाकी से मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।